नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ के बारे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट लेटर आ गया है और आप सभी ने सिक्योरिटी फ़ीस अभी तक जमा कर दी होगी, या नहीं कर दिए तो आप जल्द से जल्द अपनी सिक्योरिटी फ़ीस जमा कर दें, जो कि आपका 5150 रुपये आपका सिक्योरिटी रूप के लिए जा रहा है। आप सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के बाद उसका प्रिंट निकलवा लें, देन उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है, उसका भी आपको प्रिंट निकलवाना है। ये दो डॉक्यूमेंट तो आपको रखने ही हैं, ये मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एडमिशन के दौरान, क्योंकि एडमिशन की डेट है आपकी वो आपकी 26 नवंबर है। हो सकता है ये बढ़ भी सकती है, पर आप बढ़ने की चिंता ना करें, आप उससे पहले ही एडमिशन में सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके एडमिशन ले लें। सिक्योरिटी फ़ीस आपकी 5000 रुपये है, 5150 रुपये। तो फिर और भी डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके KGMC यानी KGMU कॉलेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अदर कॉलेज के अपेक्षा इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है वो ऐड किए जाते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी स्पेशल KGMC के लिए यानी कि KGMU के लिए ही एक वीडियो बना दी है, जिसमें आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट किस प्रकार बनता है, कैसा दिखाई देता है, और आपकी जो फ़ीस है वो कैसे कटती है। 43,000 रुपये की जो फ़ीस है, नॉर्मली आपकी 24,000 होती है, और KGMU में आपका 43,000 रुपये है, वो कैसे होता है एफिडेविट बता दिया, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको मैंने उसमें दिखाया था, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो बनवाना था उसका भी मैंने फॉर्मेट आपको उस वीडियो में पूरा सही से दिखाया था, कुछ भी हाइड नहीं किया गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जिन भी स्टूडेंट्स को KGMU में कोई भी डिप्लोमा कोर्स मिला है तो आप वो वीडियो अवश्य देखें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते तो आप कुछ ना कुछ उसमें मिस कर जाएंगे, बाद में एडमिशन के दौरान आपको कुछ परेशानी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि KGMU मैंने आपको बता दिया, आपको फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। उस पर क्लिक करते हैं, वो पूरा वीडियो आपका चालू हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन की बहुत बॉक्स की बात आती है, कोई स्टूडेंट कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे ही एंड में आप देख पा रहे होंगे मोर का ऑप्शन आ रहा होगा, तो मोर का ऑप्शन जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको वो लिंक एक दिखाई देगा, जिसमें KGMU डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो ये मैं उसमें डाल दूंगा जैसी वीडियो अपलोड होगी। तो फ्रेंड्स आइए, अब आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट लेके चलते हैं, तो उसमें आपको मैं दिखा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अपन देख पाएंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अब नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंबाइंड पैरामेडिकल प्रोसेस, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप इसे यहाँ पर इसे हटा देंगे, तो एक नया इसमें देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी आवंटन जो आपका 20 को आ गया था, रिजल्ट कह सकते हैं सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने की 25 है और कॉलेज में एडमिशन लेने की 26 नवंबर है। और इसी के फोर्थ पॉइंट पर देख पाएंगे आप फिजिचर केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र और ये काउंसलिंग सीटों का विवरण। तो आप फ़ोन नंबर का देखें कि इसमें आवश्यक प्रमाण पत्र है कॉलेज एडमिशन लेने के दौरान, तो कौन कौन से होंगे, तो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सीधे इसे खोल पाएंगे तो देख पाएंगे प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र। जल्दी हम बताने वाले हैं, ज़्यादा समय लेंगे तो आप एक बार समझ लें, जल्दी शॉर्ट में बताने में। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करवाया था साइबर कैफे से या खुद भी अपने प्रिंट का निकाला होगा, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवश्य ले जाना है। इसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, इसका मतलब ये प्रोविजनल कौन सा वाला ले जाना है, ये आपका सिक्योरिटी फ़ीस जमा करने के बाद में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, वो आपको निकलवाना है, और साथ ही साथ आपका जो आपका सिक्योरिटी फ़ीस है वो भी आपको ले जाना है। उसके बाद आप तीसरे नंबर पर निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, यानी कि आपका जो प्रशिक्षण शुल्क है वो आपको 24,000 रुपये इसमें ले जाना है। अगर आप सिक्योरिटी फ़ीस आपका जमा कर देते हैं तो आप समझ पाएंगे आपका 5,000 है वो माइनस हो जाएगा, तो आपको 19,000 रुपये देना पड़ेगा। हाई स्कूल अंक प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल की आपको मार्कशीट ले जानी पड़ेगी, और इसके आपके दो सेट बनवाने हैं, आपका एक ओरिजिनल का होना चाहिए और दो जीरोक्स कॉपी का होना चाहिए। इसी प्रकार आपका इंटर की मार्कशीट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और किस किस के जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आपके SC ST और OBC वर्ग के लिए आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, और साथ में EWS जिन्होंने लगाए उन सभी का EWS लगना है। और अगला, जिन स्टूडेंट्स ने PHFF और ex-Army मैन सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर लगाया है तो वो भी आपके यहाँ पर अब शो कराना होगा, यानी कि आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। अगला आप देख पा रहे होंगे आधार, यानी कि आप एक आइडेंटिटी आपको अवश्य ले जानी है, आधार कार्ड इसमें आपको ले जाना ही पड़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया है,
डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लग सकता है, और आपका किसी किसी कॉलेज में टीसी भी लगेगा, तो आप कॉलेज में आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ 26 तारीख से आगे आप डेली यहाँ पे पूछें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना, तो आपको एक आईडिया हो जाएगा उस डेट में आप एडमिशन ले रहे हैं। और आप एफिडेविट हो गया अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में, ये आप ले जा सकते हैं। आपको इसके अलावा आपको फ़ोटो भी ले जाने, चार से छः कम से कम आपको फ़ोटो ले जाएँ, तो ये सब ले जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपका जो 10वीं का स्टाम्प पेपर है, ये आपको पूरा उसमें लिखवाना पड़ेगा, अपना नाम पता उसमें होता ही है। आप तहसील से जाकर बनवा सकते हैं कि एफिडेविट बनवाना है, हमें काउंसलिंग करानी है, तो वो इसमें पूरा ये परफॉर्मा लिख दें तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये 10, 11, 11 वाला डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए। इसके अलावा जो KGMU में आपका जो सेम वही रहेगा, उसमें आपका TC एक करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, ये और इसके बाद नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो एफिडेविट है वो ऐड हो जाएगा, बस ये एडिशनल हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी, कैसे कैसे होते हैं वो वीडियो जाकर तुरंत देखें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और फ्रेंडों में शेयर किया करें, हेल्पफुल हुआ करो, और चैनल पर बने रहें, ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।